जो मैंने पहना है उसके बारे में आपको बताती हूँ। ये जो शर्ट है ये ज़ारा से है और ये इयररिंग्स मैंने शीन से बाय किए हैं, पर आपको ये अमेज़न पे भी मिल जाएंगे। एंड दिस लिपस्टिक इज फ्रॉम सिफोरा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अमेज़न हॉल। जी हाँ, फेस्टिव सीजन हैज़ बिगन और फेस्टिव सीजन सेल हैज़ ऑल्सो बिगन ऑन अमेज़न। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा इस बारे में। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ज्वेलरी, थोड़े बहुत पीसेस मैं क्लोथिंग में शेयर करूंगी और एक दो आइटम्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेकअप में। जी हाँ, एक्चुअली इंडिया से मेरे इन-लॉज आए हैं और मैंने उनसे काफ़ी कुछ सामान मंगवाया था अमेज़ॉन से, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ बैठकर अपने फेवरेट पीसेस शेयर करूँ। आई एम श्योर दैट यू आर गोना लव दिस हॉल, क्योंकि मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं। सो विदाउट फर्दर डू, विदाउट ब्लैबरिंग मच, लेट्स जंप राइट इनटू दिस वीडियो। ज्वेलरी में मेरे पास काफ़ी कुछ सामान है, ब्यूटीफुल फिनिश है इसकी। एंड अगर आप ब्राइड टू बी हो एंड यू आर सर्चिंग फॉर अ गुड नथ, ठीक है, आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। इसकी क्वालिटी बहुत 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 अच्छी है एंड या बहुत प्यारे इसके ऊपर स्टोन्स हैं, कुंदन वर्क हुआ है एंड द एम्बेलिशमेंट अराउंड इज रियली रियली गुड। आई रियली लव द डिज़ाइन। और सब प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, तो अगर आपको कुछ भी पसंद आता है आप क्लिक कर सकते हो एंड बाय कर सकते हो। मेंशन ऑल द प्राइसेस ऑन द स्क्रीन, तो आप देख सकते हैं। दिस इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नथ, आई रियली रियली लव इट। ज़वेरी पर्ल्स से है ये प्यारा सा चोकर सेट है, ये टेम्पल ज्वेलरी आप कह सकते हैं। चोकर, इट्स अ ब्यूटीफुल चोकर और बहुत प्यारा इसके ऊपर डिजाइन हुआ है। तो आप ये देख रहे हैं, इस पे लक्ष्मी जी का डिजाइन है, बहुत ही प्यारा ये सेट है। एंड ये बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा है, जैसे एक आर्टिफिशियल लुक होती है ना चोकर से, बिल्कुल वैसी लुक नहीं आ रही। इट लुक्स लाइक अ रियल गोल्ड ज्वेलरी। आई रियली लव द एम्बेलिशमेंट जो उसके अराउंड है, मोती की एम्बेलिशमेंट है। रियली रियली स्लीक या मतलब ज़्यादा हैवी भी नहीं है जो आपके पूरे नेक को कवर करे। बहुत अच्छा डिज़ाइन है और इसके ऊपर लक्ष्मी जी बने हुए हैं इसके यहाँ पर, आप देख सकते हैं। इट्स नॉट वेरी वेरी हैवी, इट्स नॉट वेरी वेरी लाइट, इट्स मीडियम, अच्छा खासा इसका वेट। चोकर इज रियली रियली गुड। आई लव द डिटेलिंग जो इसके ऊपर हुई है, पूरी ये कुंदन की डिटेलिंग है और बहुत अच्छे से है एंड द क्वालिटी इज रियली रियली गुड। और आप इस तरीके के चोकर्स इंडो वेस्टर्न वे में भी स्टाइल कर सकते हो विद योर साड़ीज। अगर आपने कुछ यू नो स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहना है आप तब भी स्टाइल कर सकते हो इस तरीके के चोकर्स। सो या चोकर्स नहीं, सॉरी, लॉन्ग नेक पीस। तो ये बहुत अच्छे हैं। द ओनली थिंग आई डिड नॉट लाइक अबाउट दिस इज ये जो ग्रीन कलर के स्टोन्स है ना, ये थोड़ी सी प्लास्टिक की फिनिश दे रहे हैं। ऑलराइट, अदरवाइज प्राइस के हिसाब से इट्स रियली रियली गुड, काफ़ी अच्छा है। इस तरीके से इयररिंग्स आते हैं स्टड शेप में, कुंदन का काम है इसके ऊपर एंड ठीक ठाक कुंदन है, नॉट वेरी वेरी एक्सट्रीमली गुड क्वालिटी, इट्स ओके। जो प्राइस पे करोगे वही मिलेगा। तो या काफ़ी अच्छा है, डिसेंट है। आपने देखा होगा आजकल काफ़ी सारी ब्राइडल लुक्स में ब्राइड्स जो होती हैं वो इस तरीके के हेड गियर्स पहनते हैं। मेरी रिकमेंडेशन पे आई विल टोटली टोटली रिकमेंड दिस वन, क्योंकि इसके ऊपर जो काम है, इट्स ब्यूटीफुल मीनाकारी काइंड ऑफ वर्क है इसके ऊपर। छोटे छोटे सर्वोस की स्टोन्स हुए हैं, कुंदन का काम है एंड द डिफरेंट डिफरेंट डिजाइंस। बहुत प्यारा ये हेड गियर है, वेरी स्लीक, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। और अगर आप ब्राइड टू बी हो ऐसे आप इसको पहनेंगे और या आप इसके साथ एक माथा जो टीका है वो भी पहन सकते हैं, जैसे कि ये वाला। See, it really looks good. And this one is one of my favorite piece from this entire haul actually. ये एक पंजाबी स्टाइल काइंड ऑफ चोकर सेट है गाइज एंड आई लव द क्वालिटी ऑफ दिस वन, इट इज सो ब्यूटिफुल। लुक एट द फिनिशिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, आप खुद से देखें, बहुत 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 प्यारा ये सेट है। और ये वाइट कलर का जो इसके ऊपर पर्ल्स का काम है, इट्स ब्यूटिफुल। द क्वालिटी इज सो फाइन, सो डिसेंट एंड आई लव द इयररिंग्स गाइज। इसकी इयररिंग्स आर सो 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 गॉर्जियस, जस्ट लुक एट इट, लुक एट दिस गॉर्जियस ब्यूटी, वेरी नाइस। हैवी है, नॉट एक्सट्रीमली हैवी बट अच्छे खासे हैवी है। मांग टीका, इट्स सो गॉर्जियस गाइज, लुक एट दिस ब्यूटी, लुक एट दिस ब्यूटी। पूरा एक सेट है, सी, आप इसको सिंपल एज इयररिंग्स पहन सकते हो। अगर आप मांग टीका पहना है मांग टीका पहन सकते हो, पूरा सेट पहना है पूरा सेट पहन सकते हो। क्वालिटी वाइज ये बहुत 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 डिसेंट क्वालिटी का है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है इनफैक्ट। एंड द गोल्ड जो इसके ऊपर है वो बिल्कुल ही फेक गोल्ड नहीं लग रहा है, इट डज नॉट लुक आर्टिफिशियल, इट लुक्स लाइक अ रियल गोल्ड। एंड आई लव सच काइंड ऑफ पीसेस जो आपके सारे आउटफिट्स के साथ अच्छे लगे। लास्ट आइटम इन ज्वेलरी इज दिस ब्यूटीफुल ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी। ये झुमका स्टाइल है और ये सुंदर सा, यू नो, मैं इसको टक कर सकती हूँ अपने बालों में
And the best part is it comes with a maang tikka. See? It looks so good, cool, right? नवरात्रि शुरू होने वाले हैं तो गरबा नाइट के लिए आप इस तरीके के चोकर सेट्स या इयररिंग्स सिंपल पहन सकते हैं, यू आर गुड टू गो. छोटा सा बन कर लीजिए, इयररिंग्स पहन लीजिए, मांग टीका पहन लीजिए, एंड या ये सब एक्साइटेड. मैं आपके साथ थोड़ा एक दो तीन चीज़ें मैं आपके साथ मेकअप में शेयर करूंगी. सबसे पहले मैं शेयर करने वाली हूँ ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर. जी हाँ, मैं सोच रही थी मैंने स्विस ब्यूटी के सारे प्रोडक्ट्स क्यों नहीं मंगवाए यार, डफर आया. कंसीलर मंगवाया है, ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर मंगवाया है मैंने, और मैंने शाई स्टाइल को काफ़ी ज़्यादा रेव करते हुए देखा है इस कंसीलर को. सो आई वाज लाइक लेट्स ट्राई इट यार, बहुत ही अफोर्डेबल है एंड मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है. वॉन्ड एप्लीकेशन के साथ ये आता है. डेफिनेटली आई विल गिव यू माई रिव्यू ऑन दिस वन किसी भी मेरी वीडियो में. सो या इट्स ब्यूटिफुल नाइस पैकेजिंग वाला कंसीलर. आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस वन क्योंकि इसके बारे में मैंने काफ़ी 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 ब्यूटी ब्लॉगर से सुना है ये बहुत अच्छा कंसीलर है. नेक्स्ट जो मैंने बाय की है वो है ये वाओ का टोनर. इट्स अ कोकोनट वर्जन. मेरे पास ऑरेंज है तो मैंने सोचा वाई नॉट आई बाय अ कोकोनट वन. कोकोनट इज रियली गुड टू रिप्लेनिश योर स्किन, गुड फॉर ब्राइटनिंग योर स्किन, और आपकी डिहाइड्रेटेड स्किन के लिए भी अच्छा होता है कोकोनट. सो आई thought of buying this one. Next item मैंने buy की है guys, मैंने ये glitters buy की है. Okay, now I have glitters, but ना आजकल इस तरीके के glitters बहुत ज़्यादा in है, तो बहुत सस्ता मिल गया है guys. Around 300 rupees में आपको मिलते हैं 1, 2, 3, 4 12 glitters मिलते हैं different colors में guys. बहुत सारे अच्छे अच्छे colors हैं और बहुत बहुत सुंदर ग्लिटर्स हैं इसके अंदर यार. ब्लू, पिंक, ग्रीन्स, येलोज और डिफरेंट ग्लिटर्स हैं. एग्जैक्टली वो फाइन वाले ग्लिटर्स नहीं है ये, बहुत ही डिफरेंट है. मैं आपको एक खोलकर दिखाती हूँ. पैकेजिंग भी ठीक ठाक है इसकी यार, मतलब प्लास्टिक पैकेजिंग है. सो इस तरीके से ग्लिटर्स हैं ये. इस तरीके का ग्लिटर डेफिनेटली क्रिएट अ लुक, और मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे यूज करना होता है इनको. बहुत अच्छे, मैंने काफ़ी अच्छा रिव्यू सुना था इसके बारे में, और या काफ़ी डिफरेंट कलर्स में है सो इसलिए मैंने ये बाय किया है. इस तरीके का ग्लू है, पता नहीं किस तरीके का ग्लू है ये, बट मैं ये यूज़ नहीं करूँगी. मेरे पास अपनी ग्लिटर ग्लू है तो मैं वो यूज़ करूँगी. सो इसके साथ आपको ग्लिटर ग्लू भी मिलता है. ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मैंने यूएई अमेजोन से बाय किया है. ये है ये किस ब्यूटी का नेल ग्लू. मेरे पास पहले वाला था वो खत्म हो चुका है. सो या मैंने ये वाला बाय किया है. बहुत ही अच्छा है ये, मतलब 2-3 दिन तक आपके नेल्स काफ़ी अच्छे होल्ड हो जाएंगे. राइट हैंड में निकल जाता है कभी, क्योंकि राइट हैंड से काम ज़्यादा होता है. लेफ्ट हैंड में मेरे 5 दिन टिक गए थे अच्छे से नेल्स, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं ये मंगवा लूँ, और ये काफ़ी ठीक ठाक अच्छी क्वालिटी. नेक्स्ट आइटम जो मैंने अपने लिए मंगवाई है इन क्लोदिंग इज दिस साड़ी. इट्स अ सैटिन साड़ी. आई डोंट हैव दिस साड़ी एक्चुअली, नॉट दिस साड़ी. इस प्लेन सैटिन में बस कोई भी साड़ी नहीं है, तो मैंने इस तरीके की साड़ी मंगवाई है. मैंने इसका ऑलरेडी फॉल लगवा लिया है. मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला था कि फॉल लगवा के ले आना और इसको अच्छे से फिनिशिंग वगैरह दे देना. सो या ठीक ठाक क्वालिटी का है गाइज. इट्स नॉट वेरी गुड. आई थिंक अराउंड 650 या 700 रुपीज़ की मेरे को ये साड़ी मिली है. उस हिसाब से ये अच्छी ठीक साड़ी है. इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, ठीक ठाक सॉफ्ट है. ओके, ऑब्वियसली इट्स नॉट ओरिजिनल सैटिन, तो आपको इतने पैसों में इतना ही मिलेगा भाई. इसकी लेंथ बहुत अच्छी है गाइज. इस साड़ी के साथ आता है ये ब्लाउज, ये वाला ब्लाउज. सी ये वाला ब्लाउज, सच बताओ मुझे साड़ी ज़्यादा अच्छा लगा इसका ब्लाउज. इसका ब्लाउज सच में बहुत अच्छा है. इसके ऊपर ये पूरा सिप्पियों का जो काम नहीं होता है वो काम है इसके ऊपर, और लेंथ ब्लाउज की काफ़ी अच्छी लेंथ है. आप फुल स्लीव्स भी बना सकते हो इस ब्लाउज का. सो या पर रेगुलर ब्लाउजेस होते हैं हमारे, उस लेंथ का ब्लाउज नहीं है, उससे लंबा है ये ब्लाउज. तो आप फुल स्लीव्स बनाना, क्योंकि मैं जब इसको बनाऊंगी मैं फुल स्लीव्स ही बनाने वाली हूँ. इसका जो फैब्रिक है इट इज़ नॉट कॉटन फैब्रिक, इट इज़ अ वेलवेटी फैब्रिक, और ठीक ठाक अच्छी डिसेंट क्वालिटी है इस ब्लाउज की. उसके ऊपर फिनिशिंग हुई है वो इतनी अच्छी से नहीं हुई है, क्योंकि इसके ऊपर जो ये सिप्पी का काम है ये हल्का सा यू नो फॉल हो रहा है, निकल रहा है ये. सो या अदरवाइज ये अच्छा है, ठीक ठाक है. सो प्राइस के हिसाब से दोनों चीज़ें, मतलब साड़ी विद ब्लाउज, ठीक ठाक रेंज में मिल गया मेरे को. ओके, नेक्स्ट जो आइटम मैंने ली है वो है पेटीकोट. नाउ पेटीकोट मैंने कॉटन वाला नहीं लिया है, मैंने डिफरेंट लिया है. एक लिया है मैंने ये मैरून कलर में, मेरा साइज है मीडियम, और इसके ऊपर ये ड्रॉ स्ट्रिंग है सो दैट आप टाइट कर सकते हो. ड्रॉ स्ट्रिंग दिया हुआ है एंड गाइस टू बी ऑनेस्ट इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ठीक है, अच्छी खासी क्वालिटी का है ये. फिर है स्ट्रेचेबल मटेरियल है तो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, और नीचे इसको
कट भी है, सो दैट कि यू नो टाइट ना लगे. एक तरफ से कट है, दोनों तरफ से कट नहीं है, एक तरफ से कट है, सो दैट कि आपको टाइट फील ना हो. क्योंकि जब आप फिश कट पहनते हो ना, तो फिर एक तरफ से तो कट होना चाहिए, अदरवाइज आप चल नहीं पाओगे. सो या अदरवाइज द क्वालिटी इज रियली रियली गुड. और आजकल वैसे भी सब लोग इस तरीके के पेटीकोट्स पहन रहे हैं, जो कि आपको बहुत अच्छी फिनिशिंग देते हैं, आपकी साड़ी को बहुत अच्छा सिल्वर देते हैं. एंड नेक्स्ट टू पेटीकोट मैंने लिया है, वो है बेज कलर में. इसकी क्वालिटी भी सेम इसकी जैसे ही है, इसकी जैसे ही क्वालिटी, ऑब्वियसली सेम ब्रांड का है ये. सो या इसके साथ भी यहाँ पे ड्रॉ स्ट्रिंग दिया हुआ है, सो दैट कि आप टाइट कर सकते हो जितना आपको चाहिए. और फिश कट में है और यहाँ पे कट है, ठीक है. सो ये आपका किसी भी लाइट साड़ी के साथ मैच हो जाएगा, कोई भी वाइट, कोई भी मतलब जो भी लाइट कलर की साड़ी होगी उसके साथ मैच होगा. बट ये नेट साड़ी के साथ नहीं चलेगा गाइज, नेट साड़ी के साथ आपको सैटिन का ही पेटीकोट डालना पड़ेगा, ठीक है. तो आप ये शिफॉन, अपनी जॉर्जेट साड़ी, आप अपनी किसी भी सिल्क साड़ी के साथ इस तरीके के पेटीकोट्स पहन सकते हैं. एंड गाइस टू बी ऑनेस्ट, सच बता रही हूँ, पेटीकोट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस आपकी साड़ी. अगर आपका पेटीकोट अच्छा होगा तो आपकी साड़ी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से ड्रेप होगी. सो या पेटीकोट को आप निग्लेक्ट ना करिएगा, अच्छा सा पेटीकोट आप बाय कर लीजिए, एक डार्क कलर में और एक लाइट कलर में, सो दैट कि आपकी सारी साड़ी के साथ ये मैच हो जाए. सो या इट्स अ ब्यूटीफुल बेज कलर एंड द क्वालिटी इज रियली रियली गुड. कुर्ताज हैं वो मैंने अपने मदर इन लॉ के लिए हैं. पहला जो कुर्ता सेट है वो है ये वाला, ठीक है. बहुत ही प्यारा कुर्ता सेट है ये. एंड द फैब्रिक इज सिल्क फैब्रिक, इट्स काइंड ऑफ टसर सिल्क होता है ना जो, वो फैब्रिक है ये. ये अच्छा कुर्ता सेट है, रियली गुड. थोड़ा सा ये सी थ्रू होगा, आपको अंदर से कुछ डालना पड़ेगा, बट इफ़ यू आर कम्फर्टेबल आप ऐसे भी पहन सकते हैं. और इसके ऊपर ये सिप्पी का काम हुआ है, बहुत प्यारा ये सूट सेट है. और या एंड इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, इसकी स्लीव्स भी काफ़ी अच्छी हैं, लंबी स्लीव्स है, यहाँ तक आएगी आपकी स्लीव्स. एंड इसका ये जो गला है, इस तरीके का गला है, इसके साथ आती है ये प्लाजो पैंट्स, जो कि है सिगरेट पैंट्स की तरह, ठीक है. टेपर्ड है ये, तो या इस तरीके से है. एंड ये पूरा सूट सेट मुझे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल गया था गाइस, अराउंड 1100 और 1200 रुपीज़ के अराउंड मिल गया था. पैंट्स है, इसके बॉर्डर पे ये काम हुआ है थोड़ा सा गोटा पट्टी का. सो या अच्छी पैंट्स है, अच्छी खासी क्वालिटी. तो ये वाला कुर्ता मैंने मंगवाया था उनके लिए, और ये है बेज कलर में, और इस तरीके की इसकी स्लीव्स हैं, आप देख रहे हैं. और हाँ, इस तरीके के बेज कुर्ताज भी बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं यहाँ पे मॉडल की पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी. पूरा सूट सेट है गाइज ये, और इसके साथ आता है ये दुपट्टा, ये बहुत ही प्यारा दुपट्टा है कॉटन फैब्रिक में, और द कलर इज रियली रियली गुड. पर थोड़े से ये यू नो काइंड ऑफ टेसल टाइप्स से दिए हुए हैं, जो कि इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, बट ठीक ठाक है, ठीक है. और पैंट्स भी इसकी अच्छी हैं, और वाइड लेग पैंट्स हैं ये, और पैंट्स के बॉर्डर पे इस तरीके का काम हुआ है, इलास्टिक है, सो दैट कि यू नो अच्छी मतलब ज़्यादा टाइट ना हो, तो इलास्टिक ही है ये. ओके गाइस, विद दैट यहाँ पे होता है ये मेरा फेस्टिव हॉल ख़त्म, ठीक है. ये सब चीज़ें हैं मैंने आपके साथ शेयर की हैं, आई होप आपको अच्छी लगी हो. उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप बाय कर सकते हो अपने लिए. तो यस गाइस, अगर आपको भी मेरा वीडियो पसंद आया हो, गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप. और आपकी कौन सी फेवरेट आइटम थी मुझे कमेंट करके वो जरूर बताना. एंड नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन विद अ ब्रांड न्यू वीडियो. टिल देन स्टे हैप्पी, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर एंड बाय.